वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन योर फिजिक्स क्लास. डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज ओम्स लॉ. 1827 में एक फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम. जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि अगर आप एक मेटेलिक वायर लेते हैं एंड दिस मेटेलिक वायर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड ए की, देन इफ यू प्रेस दिस की देन आई करंट विल फ्लो थ्रू दिस मेटेलिक वायर. दिस बैटरी इज ऑफ वी वोल्ट. देन एज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द लेंथ, टेम्परेचर and etc. of other physical quantities are remain constant, then the potential difference applied across the two ends of a metallic wire is directly proportional to the current flowing through it. V is directly proportional to current I. V is equals to IR. What is R? R is known as the constant of proportionality. This is the mathematical representation of Ohm's law. What is R? R is known as the resistance. What is the physical significance of resistance? It always opposes the flow of electron. ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है. जिस तरह सड़क पर स्पीड ब्रेकर बने हुए होते हैं वो आपकी स्पीड का अपोज करते हैं, उसी तरीके से मेटल्स के अंदर भी या कुछ रेजिस्टर्स भी इस तरह के होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है. ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एंड वी रिप्रेजेंट ओम बाय दिस ग्रीक सिंबल ओमेगा. दिस इज कॉल्ड ओमेगा. So V is directly proportional to I when the length and the temperature of a metallic wire remain constant. This was the statement given by Ohm's, and this relationship between V and I is called Ohm's law. R is the resistance. It always opposes the flow of electron. The SI unit of resistance is Ohm. And if we calculate the value of R from here, then R is equals to V upon I. The unit of resistance is Ohm. Unit of electric potential is volt and the unit of electric current is ampere. So the question is, define one ohm. So one ohm is the resistance in a metallic wire. If 1 volt potential difference is applied across the two end of a metallic wire and 1 ampere is flowing through it, it means किसी भी मेटेलिक वायर में अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और उसके अंदर 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मेटेलिक वायर इज सेड टू बी 1 ओम. डियर स्टूडेंट्स, हेयर वी कैन सी दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट आई. रेजिस्टेंस करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट डिक्रीज कर जाएगा किसी भी एक गिवन मेटेलिक वायर में. अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो करंट हाफ हो जाएगा. रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा इस तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट यूज करते हैं. दिस इज यूज फॉर फिक्स रेजिस्टेंस. जहां पर रेजिस्टेंस फिक्स होता है उसके लिए आप ये यूज करेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल्स में हमें रेजिस्टेंस को वेरी भी कराना होता है, चेंज भी करना पड़ता है, तो वहाँ पर आप इस तरह वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे. और वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप जनरली रियोस्टेट भी कहते हैं. आई होप ओम्स लॉ और इससे रिलेटेड पैरामीटर्स यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर विद द हेल्प ऑफ ए गिवन ग्राफ.
आप x एक्सिस में करंट लीजिए, y एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज इन वोल्ट. हेयर आई हैव प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट. इलेक्ट्रिक करंट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 and so on. The difference between the electric current here is 0.1. यहाँ पर 0.1 ampere का difference है. Electric potential which is on the y-axis 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 and 2.0. यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 0.4 volt का difference. Okay? जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और यही हमें पोटेंशियल V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बताता है. दैट इज़ V इज इक्वल्स टू IR, जिसको हमने ओम्स लॉ के टर्म्स में पढ़ा था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इफ़ वी जॉइन ऑल दिस पॉइंट देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस लाइन विल गिव अस रेजिस्टेंस. इफ़ वी विश टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन point A to point B, then we have to calculate this BC and AC. If suppose this is an angle theta, in triangle ABC, tan theta is equals to resistance and tan theta is equals to perpendicular upon base, that is BC upon AC. What is BC? 1.2 में से आप 0.8 को सबसेट कीजिए तो ये आपके पास आएगा 0.4 वोल्ट. व्हाट इज एसी? 0.3 में से आप 0.2 को सबसेट कीजिए तो ये आपके पास बचेगा 0.1 एम्पियर. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट. सो हियर वी विल कैलकुलेट दैट द रेजिस्टेंस इज 4 ओम. रेजिस्टेंस कितना आता है आपके पास? 4 ओम यहाँ पर आता है. इसी तरह अगर आप यहाँ पर भी कैलकुलेट करें बिटवीन पॉइंट डी एंड ए, देन दिस विल बी 0.4 एंड दिस विल बी 0.1. 0.4 अपॉन 0.1, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आपको 4 ओम ही मिलेगा. सो फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर द रेजिस्टेंस रिमेन कॉन्स्टेंट इवन इफ वी डू नॉट चेंज द फिजिकल पैरामीटर लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एक्सेट्रा. सो डियर स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस यहाँ पे आपने tan थीटा की वैल्यू निकाली, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और इस तरह आप गिवन ग्राफ से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर टू इज, जिस भी वायर का सपोज यहाँ पर आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है ए और बी वायर के लिए, दिस इज वी एंड दिस इज आई, और आपसे पूछता है बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. तो ऐसी केस में जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. तो ए वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस. दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ द पॉइंट इज व्हाट, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स और फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? सो द नंबर वन इज रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ. जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उसके अंदर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी. नंबर टू, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन. वायर का एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से निकल सकते हैं और उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा. नंबर थ्री, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा. एंड द फोर्थ वन इज रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटीरियल. नेचर ऑफ मटीरियल, वेदर द मेटेलिक वायर इज मेड अप ऑफ सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, निकिल, क्रोमियम और एक्सेट्रा. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस जो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वहाँ से रेजिस्टिविटी डेवलप होती है. सो हेयर वी हैव द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटेलिक वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द मेटेलिक वायर. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू जस्ट राइट डाउन हेयर दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन.
आपने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा है, देन R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब आप कहेंगे सर ये रो क्या आ गया, आर एच ओ, ये होता क्या है, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है क्या सर, ये आपका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, क्या कहते हैं इसको हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी रो जिसका फॉर्मूला यहां से आएगा R इंटू ए अपॉन एल, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन नेचर ऑफ मटेरियल एंड नंबर टू रेजिस्टिविटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द वायर। नाउ सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला देखिए, आर रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, दैट इज ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ डिफाइन रेजिस्टिविटी, डिफाइन रेजिस्टिविटी, सो रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। डियर स्टूडेंट्स इस कंडीशन में इफ एरिया इज 1 meter square, लेंथ इज 1 meter, देन रो विल कम्स आउट ऑफ रेजिस्टेंस आर। इट मीन्स द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 meter एंड द एरिया इज ऑफ 1 meter square। तो इस तरह से यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं।